हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट डेली लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करते हैं तो 1172.95 की करंट प्राइस चल रही है और आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 5.54% की शानदार सी तेजी हमें यहां पे देखने को मिल रही है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो वन टाइम फ्रेम में हमने सेट किया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, रिसेंटली जो है 52 वीक हाई इसने 1394 पे लगाने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में आज के दिन में स्टॉक में जो है काफी बढ़िया 5.5% से ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। पीछे की वजह यह है क्योंकि नीचे के साइड में एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन है 1090 से लेके ऑलमोस्ट 1150 का जो है सपोर्ट की वजह से मल्टीपल टाइम पहले जो है सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, अभी फिर से एग्जैक्टली यहीं से ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी ज्यादा ही रहेगी स्टॉक में फर्दर तेजी यहीं से जो है अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है और नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमें यहां पे 1300 से लेके 1370 का देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है तो फर्दर और भी काफी अच्छी तेजी हमें स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूं टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी और अगर आप पहले से स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो इस सपोर्ट जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। तो चलिए सब चलते हैं टिकर टेफ वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम स्कोर कार्ड की, तो स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रही है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 9451 crore का देखने को मिलता है। स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है और पिछले एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 49.87% यानी कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल चुके हैं। बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। 8 एनालिस्ट हमें यहाँ पे 63% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। और पीयर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो जस्ट डायल के साथ में जोमैटो, इन्फोएज यानी कि नौकरी.com, पीवी फिनटेक देखने को मिल जाते हैं। और प्राइस कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो सेक्टर वाइज सारे स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली जोमैटो में पिछले एक साल में 142.64% की तेजी देखने को मिली है, यानी कि 142% की जो है रिटर्न देखने को मिल चुके जो कि काफी शानदार है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।